मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ईद के मौके पर लखनऊ ईदगाह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए अखिलेश यादव। ईद के मौके पर शनिवार सुबह ईदगाह में हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज पढ़ी। पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम भाई बहनों के जीवन स्तर को सुधारने और इसमें बदलाव लाने के लिए योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। ईद हिंदू मुस्लिम भाई और गंगा जमनी तहजीब का त्यौहार है। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रयागराज की घटना की जाँच जारी है, योगी सरकार जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा की मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वंदना मिश्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी व अन्य लोग मौजूद रहे। सभी ने अमन चैन के साथ त्योहार मनाने की अपील की। सभी ने सेवैयां खाई, एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ईद की नमाज हुई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने तकरीर पढ़ी। ईदगाह कमेटी की ओर से सेवैयां, शरबत और तमाम व्यंजनों की व्यवस्था की गई। अलकायदा की धमकी पर बोले सपा अध्यक्ष, अधिकारियों से पूछे सवाल। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से पत्रकारों ने अतीक अशरफ शूटआउट के बाद अलकायदा की धमकी पर सवाल किया है। इस पर उन्होंने कहा कि यह सवाल अधिकारियों और सरकार से पूछे। त्योहार के दिन अधिकतर दिल्ली और नोएडा से भी यह सवाल उठते हैं, इस पर सरकार और अधिकारी ही अच्छा जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना से ही रामराज आएगा, तभी देश और प्रदेश का विकास हो सकता है। आज के माहौल में लोग डरे हुए हैं, बेरोजगारी चरम पर है। किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही हैं। अखिलेश ने सभी को ईद की बधाइयां देते हुए कहा कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सभी को ईद की मुबारकबाद दी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।